हर हर महादेव। आज हम आए हैं यहाँ आनंद आश्रम में, और एक बार पहले भी मैं यहाँ का वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज फिर जब यहाँ आने का मौका मिला तो मुझे लगा फिर से आप लोगों के लिए यहाँ का कुछ दृश्य वो बनाया जाए। और आनंद आश्रम बहुत ही एक सुंदर स्थान है, आश्रम है हमारा हिमालय में, जहाँ पे बहुत ही अच्छी साधना हो सकती है, होती आई है। और पूर्व काल में भी यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े संत जैसे ध्यानी बाबा और साथ में आनंद स्वामी जी रहते थे यहाँ। उन्होंने अपनी बहुत ही कठोर साधना करी है, और ये वही आनंद आश्रम है जिनके बारे में अवधेशानंद गिरी जी ने बताया कि यहाँ पे किस प्रकार से उनको दिव्य अनुभव हुए थे यहाँ के पूर्व काल में जो स्वामी जी थे, और इसका विवरण उन्होंने अपने बहुत बार अपने प्रसंगों में अपनी कथाओं में करा है, जिसमें एक विवरण वो करते हैं कि जब यहाँ पे पूर्व काल में स्वामी जी थे तो अवधेशानंद गिरी महाराज जब यहाँ आए तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि भाई यहाँ कोई आता भी है, तो उन्होंने बताया कि आज उनकी डायरी में उन्होंने देखा कि ये लिखा हुआ था आज यहाँ 4 महात्मा आएंगे। और उसी दिन वो डायरी में पहले ही लिख दिया था, और बाद में जैसे महात्मा आए तो उन्होंने ये सब देखा। इस तरह के बहुत ही दिव्य अनुभव हुए हैं। और ये यहाँ का किचन है, ये किचन है, और यहाँ पे ये यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पे गौशाला है, बहुत ही सुंदर जगह इस वरुणावत पर्वत के मध्य में। यहाँ पे साधक आके अपनी साधना कर सकते हैं, और समय समय पे यहाँ पे बहुत से साधक आते हैं और अपना ध्यान योग का लाभ उठाते हैं। इस आनंद आश्रम में एक यहाँ पे बहुत ही दिव्य शिवलिंग है, जैसे शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर भी बहुत से ग्रामवासी आते हैं और अपना जो नित्य शिव पूजन होता है, और यहाँ के प्रधान जी हैं बसुंगा गांव के। कुछ आप बताएंगे कि आश्रम के बारे में, कब से ये बना, किस तरह यहाँ पर, मतलब क्या इसका इतिहास है? हाँ, मुझे तो यही पता है जब से मैं होशियार हुआ हूँ कि यहाँ पर जो है एक उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ में एक नागा बाबा रहते थे जी, और उन्होंने जो है नागा बाबा ने वहाँ छोड़ करके आश्रम में यहाँ आगे यहाँ जोगड़ा गांव में जी, और कुछ दिन रहने के बाद जो है वो उनका शरीर छोड़ गया। उसके बाद यहाँ पर जो है एक ध्यानी बाबा जी आए थे जो बड़े बुद्धिजीवी थे, बड़े महान थे, वो भी कुछ दिन यहाँ पर रहे, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद वो बम्बई गए, और वहाँ ऑपरेशन होने के बाद उनकी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद जो है उनके चेले जो है आनंद महाराज जी,
वो यहाँ पर लगातार जो है कम से कम जो है 35-36 साल यहाँ पर रहे, लेकिन अच्छा। उसके बाद जो है उनका भी यहाँ शरीर छोड़ दिया। उसके बाद जो यहाँ पर 3-4 महाराज आए, लेकिन रहे और चले गए, रहे और चले गए जी। इसके बाद जो है फिर यहाँ पर हमारे महाराज, क्या नाम है महाराज जी, विपुल स्वामी जी यहाँ पर रह रहे हैं और आश्रम जो है अच्छे ढंग से चल रहा है और कई लोग यहाँ आते जाते हैं दर्शन करने के लिए और बहुत सुंदर जगह है जी। कोई आपको यहाँ पे अनुभव, कोई ऐसा मतलब जीवन में लगा हो कुछ इस तरह का अच्छा अनुभव यहाँ का? यहाँ पर अनुभव ये है कि जो भी लोग जो यहाँ पर आते जाते हैं वो आगे यहाँ पर जो है बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ऐसी सुंदर जगह हमने कहीं नहीं देखी है जी। और कोई न कोई भक्त यहाँ चला रहता है और दर्शन करके यहाँ से चले जाते हैं। ठीक ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम हैं आनंद आश्रम में। यहाँ पे अभी आपको जो पूर्व काल में स्वामी जी थे, ये हैं आनंद स्वामी जी, जिनका फोटो हम दिखा रहे हैं आपको। और ये हैं यहाँ पे परम सिद्ध ध्यानी बाबा, जिन्होंने यहाँ गहन साधना करी है। और एक फोटो आपको ध्यानी बाबा का ये दिखा रहे हैं, ये स्वामी आनंद जी थे यहाँ पर। इन्होंने बहुत ही कठोर साधना यहाँ पर कई वर्षों तक रह के करी है और परम सिद्ध आश्रम में वो रहे अपने गुरु ध्यानी बाबा के शरण में। जय हो आनंद बाबा, जय हो ध्यानी बाबा महाराज।